सेलिब्रेशन मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। रेनी डे, गर्मी के सीजन के बाद, गर्मी के मौसम के बाद कौन सा मौसम आता है? बारिश का मौसम आता है। और ये बारिश का मौसम कब से शुरू होता है? ये बारिश का मौसम शुरू होता है जुलाई फर्स्ट वीक से। हमारे देश में जो है मॉनसून जो है आ जाता है और बारिश का मौसम शुरू होता है। बारिश के मौसम में जो है मौसम बहुत ही सुहावना होता है, आसमान में चारों तरफ बादल छा जाते हैं और बारिश होती है। जब ये बारिश होती है तो नए नए पौधे जो है उगते हैं, खेती के लिए ये बारिश बहुत अच्छी होती है, नए नए फूल होते हैं। ताल तलैया जो है पानी से जब भर जाता है तो उसमें कई प्रकार के नए नए जीव जन्म लेते हैं, मछलियाँ हो गई, पानी वाले जितने भी जीव हैं बारिश के मौसम में बढ़ते हैं और नए नए प्रजातियाँ जन्म लेती हैं, नए नए पौधे उगते हैं, तितलियाँ इधर उधर उड़ती रहती हैं और नए नए तरह के फूल जो है खिलते हैं। मौसम बहुत ही सुहावना होता है। कैसा होता है? और कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद इंद्रधनुष में निकलता है। इंद्रधनुष में जो है सात रंग होते हैं और ये रंग बहुत ही देखने में अच्छे लगते हैं, सुहावने लगते हैं। बारिश के मौसम में हम लोग जो है छतरी, रेनकोट, इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। बारिश में जो है बहुत तरह के नए नए फल और सब्जियां भी आती हैं जो कि मौसम के अनुसार जो है हमें मिलती हैं बारिश के मौसम में, जैसे मकई हो गया, गुआभा मतलब अमरूद हो गया, जामुन हो गया, ये सब जो है बारिश के मौसम के फल सब्जियां हैं जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। बारिश का मौसम बहुत ही अच्छा होता है, इससे जो है भूमिगत जल का जो है एकत्रित होता है और हमें बारिश के मौसम से जो है नए नए फल, नए नए पौधे और हरा भरा वातावरण मिलता है। तो आज हम लोग क्या सेलिब्रेट करने जा रहे हैं? रेनी डे सेलिब्रेशन। सभी क्लैप करेंगे जोरदार।